चलिए बताते हैं मैं आपको कि वो गिफ्ट कौन से हैं जो आपको बहुत ही ज़रूरी है फेसबुक के लिए, फेसबुक प्रोफाइल के लिए, जिसकी वजह से आप अर्निंग कर पाएंगे, आपकी वीडियो वायरल होगी और आपके इंगेजमेंट, आपका रिच बढ़ेगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर सीडेक्स बोर्ड है, इस पर क्लिक कर देते हैं। सीडेक्स बोर्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने वीकली चैलेंज प्रोसेस लिखा हुआ, इसको आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए आप वीकली चैलेंज बताता है, ये आपको कंपलसरी है, इसको कंप्लीट करना ही होगा। अगर इसको आप कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आपको कंप्लीट करना होगा। अब गिफ्ट की बात करते हैं तो देखिए सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो आपको ये कंप्लीट करना होगा, लेवल वन। फिर इसके बाद दूसरा गिफ्ट जो है वो होगा लेवल टू, ठीक है। और तीसरा जो है वो है लेवल थ्री। कंप्लीट करने के बाद आपको क्या क्या मिलता है फेसबुक की तरफ से वो भी मैं आपको बता। देखिए यहाँ पर अचीवमेंट लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए रील्स अपलोड करने से क्या मिलता है, लेवल्स कंप्लीट करने से क्या मिलता है, एजुकेशन जो है वो क्या है, स्टार्स क्या है, ये सारी चीज़ें बता। तो सबसे पहले देखिए यहाँ रील्स वाले पर क्लिक करते हैं। रील्स वाले पर जब इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रील्स पोस्ट्स, यहाँ लिखा पोस्टेड 236 मैंने रील्स पोस्ट किए हैं, ठीक है। और इन टोटल प्ले जो कि 98,000 लोगों ने प्ले किया 7 दिन के अंदर, ठीक है। अब देखिए ये जो बैचेस हैं ये आपको मिलेंगे कैसे। फर्स्ट बैच जो होगा आपको 1,000 आपके व्यूज़ आने चाहिए, आपकी वीडियो को किसी ने प्ले किया होगा, 1,000 लोगों ने प्ले किया हो तभी आपको ये स्टार मिल जाएगा। 2,000 लोग अगर आते हैं तो आपको ये वाला स्टार मिल जाएगा। 3,000 पे 3K वाला स्टार मिल जाएगा। ये आपको तीन जो स्टार हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो देखिए वन ऑफ अचीवमेंट। अब ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए पांच, इन पांचों का बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट रोल है आपकी प्रोफाइल को, परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। तो जो भी पांच चीज़ें बताएं इन पे आपको काम करना है। देखिए एक्सप्लोर पे जाके इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। वर्ल्ड स्मिथ है तो इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए आपको वर्ड को मेंशन करना होगा, जैसे आप कोई वीडियो बनाते हैं उस पर लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद डायरेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई किसी की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस पर किस तरह से सारी चीज़ें आपको बताना है। डायरेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर का मतलब होता है जो बताता है कैसे क्या करना है। रिमिक्सर मतलब क्या है कि अगर किसी की वीडियो अपलोड है और आपको वीडियो अच्छी लग गई वाली तो उसके साथ रिमिक्स बना देना है। क्रिएटिव स्ट्रिक का मतलब होता है कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्रिएट अ रील, इस पर क्रिएट करके रील्स बना लेनी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लेवल्स के बारे में आपको बताई दिया। अब एजुकेशन का मतलब बता देते हैं। देखिए एजुकेशन यहाँ पे दिए होता है कुछ पढ़ने के लिए फेसबुक दिया होता है, ठीक है। उसको पढ़ने की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो होता है और जब इस पर क्लिक करोगे तब आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगा, ठीक है। लेवल थ्री कम्प्लीट होने के बाद ये ऑटोमेटिक खुल जाएंगे सारे, जिस पर ऑटोमेटिक डन होकर आपको यहाँ पे स्टार मिल जाएंगे। स्टार आपको 3 मिलेंगे। किस कौन सा स्टार कब मिलता है, देखिए गेट स्टार्टेड, जब आप स्टार्ट करते हैं तब ये स्टार मिल जाए। लिखा है डेवलप ऑफ द स्ट्रेटजी, ठीक है। इस पर आपके आपको बैच मिल जाता है एंड ग्रो योर ऑडियंस, जब आपकी ऑडियंस ग्रो होने लगेगी तब आपको ये बैच मिल जाएगा। यानी 3 बैच आपको ये मिल जाएंगे। इसके बाद स्टार की बात करें तो स्टार में देखिए आपको एक ट्रॉफी मिल जाएगी, ठीक है। और ट्रॉफी मिलने के बाद यहाँ पे देखिए कलेक्टेड गिफ्ट लिखा है, तो कलेक्टेड गिफ्ट में जाके व्यू ऑल पे जाएंगे। जैसे ही आप व्यू ऑल पे जाते हैं तो यहाँ पे एक आपको ट्रॉफी जो मिल जाएगी अगर आप उसका काबिल होंगे तो, ठीक है। बाकी और सारे गिफ्ट्स हैं जो फेसबुक की तरफ से आपको धीरे धीरे मिलने लगेंगे। इतना होने के बाद अब आपको देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है। ट्रॉफीज़ आपको मिल गई हैं और बाकी के और भी जो हैं वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये तभी मिलेंगे जब आपके प्रोफाइल अच्छा काम करेगी, आप रील्स अपलोड करेंगे, पोस्ट करेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। अब अर्निंग के बारे में बता देते हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको यकीन नहीं होता है। तो देखिए मैं मोनेटाइजेशन पे जाता हूँ और आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ कि मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये नया पेज है जो मैंने बनाया था और वो मेरी प्रोफाइल है जिसमें 11,000 फॉलोवर्स हैं और ये मेरा पेज है जिसमें 3,000 फॉलोवर्स हैं। यहाँ पे देखिए अर्निंग वाला ऑप्शन ओपन हो चुका है, ठीक है। और मैं अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पे आउट का मतलब ये है कि आपने जो यहाँ जो भी अर्निंग की है वो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए यहाँ पे बोलता है, ठीक है। वो लिस्ट यहाँ पे देखिए स्टार ऑप्शन इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए अर्निंग वाला जो सेटअप पूरा ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉलर, तो डॉलर अभी मेरे 0 हैं और यहाँ पे स्टार हमारे 0 हैं तो वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो डॉलर बनना भी स्टार्ट हो जाएंगे। $1 पे ₹82 होता है, तो अगर आपकी कृपा रही, ठीक है, तो $500 भी कमा सकता हूँ, $800 भी कमा सकता हूँ, $1,000 भी कमा सकता हूँ, ठीक है।
इसके बाद आ जाते हैं जी वाले ऑप्शन के बारे में, मैंने कल आपको बता ही दिया था। इनको बस आपको कैसे कम्प्लीट कैटेगरी होती है उनको कम्प्लीट करना होता है। तो ये तो होगी अर्निंग प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है, दूसरा आपको रील्स अपलोड करनी है अच्छी अच्छी तीसरा आपको वीडियो अपलोड करनी है, चौथा आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करनी है। बस आपको इतना ही काम करनी है जब तक आपके 5,000 फॉलोवर्स ना हो जाएं। जब आपके 5,000 फॉलोवर्स हो जाएं तब आप अपने क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मोनेटाइजेशन ऑप्शन होगा वो ओपन हो जाएगा, सारे टूल्स ओपन हो जाएंगे और आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मुझे फॉलो कर लेना। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ लेना।